दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी में राजस्थान के खिलाफ भी मिली हार, तो अपनी टीम को आईपीएल से बाहर होता देख रो पड़ी नीता अंबानी ने। रातों रात हार्दिक पर लिया बड़ा एक्शन, टीम से निकाला बाहर और रोहित को नया ऑफर देकर जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिरकार मुंबई की मालकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पर आखिर क्या बड़ा एक्शन लिया है और रोहित शर्मा के लिए ऐसा क्या कर दिया कि सुनने के बाद आप भी उनको सलाम ठोके बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि मुंबई और राजस्थान के बीच आईपीएल का 14वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 125 रन बनाए। तो वहीं हम आपको बताते चलें कि यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए जब ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी तो रोहित शर्मा अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए, तो वहीं नमन धीर भी पहली गेंद पर चलते बने और ट्रेवल्ड ब्रेविस का विकेट भी पहली गेंद पर गिरा। और इतिहास में यह पहली बार हुआ जब ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले ही डगआउट की तरफ लौटे। तो वहीं दोस्तों फिर तिलक वर्मा ने पारी को संभालते हुए 32 रन बनाए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 34 रन की पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए 20 से ज्यादा रन भी बना नहीं पाया, जिसके चलते मुंबई की टीम 125 रन पर अपने 9 विकेट गंवाकर ढेर हो गई। अब राजस्थान के लिए यहां सबसे अच्छी गेंदबाजी युजवेंद्र चहल ने करवाई, जिन्होंने 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं 3 विकेट ट्रेंट बोल्ट के भी नाम रहे। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम की, जहां राजस्थान की तरफ से जब बल्लेबाजी करने यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर उतरे तो यहां पर राजस्थान के ऊपर भी मुंबई की टीम ने पूरा दबदबा बना के रखा हुआ था। यहां पर यशस्वी जायसवाल 10 तो जॉस बटलर 13 रन बनाकर चलते बने और फिर संजू सैमसन का विकेट भी गिरने के बाद ऐसा लगने लगा कि राजस्थान की टीम अभी भी इस मैच में हार सकती है। लेकिन यहां पर रियान पराग ने अकेले दम पर यह मुकाबला पलटने का काम किया, जहां उन्होंने 39 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 54 रन बनाए, जिसके चलते राजस्थान की टीम यह रोमांचक मैच जीतने में कामयाब हो सकी। और दोस्तों इस मैच में मिली मुंबई को लगातार ये तीसरी हार है, जब आईपीएल में अगर वो लगातार 6 मुकाबले हार गए तो उनका टॉप 4 की लिस्ट में पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल असंभव हो जाएगा। और दोस्तों नीता अंबानी बखूबी जानती हैं कि अगर लगातार अब 3 हार और मिली तो आईपीएल से उनका पत्ता साफ है और ऐसा बिल्कुल भी नीता अंबानी चाहती नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस हार के बाद बड़े डिसीजन लिए और उन्होंने रातों रात ऐसे फैसले लेकर हर किसी को चौंका दिया। यहां पर नीता अंबानी ने कहा, हमें पता है कि अब हमारी मुंबई इंडियंस की टीम ऐसे पड़ाव पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां से हमारा कमबैक करना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। हमने आईपीएल में कई बार ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जब हमारी टीम लगातार 4-5 मुकाबले हारने के बाद पहला मैच जीती और फिर भी हमने जाकर अंत में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन हम उस वाक्य को हमेशा याद करके बैठ नहीं सकते। हमें नहीं पता कि इस साल हम फाइनल तक पहुंचेंगे भी या फिर नहीं, लेकिन अब हमें लगता है कि बदलाव करने का दौर आ चुका है और ये बदलाव हमें करना ही पड़ेगा। हमने जितनी खुशी से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, अब हम विचार कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाया जाए, एटलीस्ट तब तक जब तक कि टीम स्थिर नहीं हो जाती, क्योंकि अभी हमारा मानना है कि टीम के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं और टीम के खिलाड़ी समझने के लिए तैयार नहीं है कि हार्दिक पांड्या भी अच्छे कप्तान है। अब हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा, हार्दिक को अभी कप्तानी से हमें हटाना जरूरी है, तभी हम मुकाबले आगे के जीत पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर अब नीता अंबानी ने फिर यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या को हमने कप्तानी करने के लिए कई करोड़ों रुपए दिए थे, लेकिन अब वही करोड़ों की अमाउंट हम रोहित शर्मा को ऑफर करते हैं कप्तानी करने के लिए। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि नीता अंबानी को यह डिसीजन बिल्कुल फाइनल कर देना चाहिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।